नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो पर दर्ज शिकायतों पर सही ढंग से कार्रवाई न करने वाले उद्योग एवं वाणिज्य, HSIIDC, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, कृषि तथा शहरी स्थानीय निकाय विभागों से सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी अलग से बैठक करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के मामले में लापरवाही बरतने वाले 4 अधिकारियों में कर्मचारियों को निलंबित करने एवं 4 अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता व मुख्यमंत्री के OSD भूपेश्वर दयाल सोमवार को हरियाणा निवास में सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के निवारण में गंभीरता ना दिखाने वाले नोडल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्य सैनिक बोर्ड, नगर एवं ग्रामीण आयोजन तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि यदि उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो इन तीनों विभागों की अलग से समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों के अलग से खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायत, कृषि तथा शहरी स्थानीय निकाय विभागों द्वारा सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का तत्परता से निवारण करने के आदेश दिए।